रेडमी के मोबाइल का पावर बटन अगर खराब हो जाता है तो अपने मोबाइल को कैसे आप यहाँ पे स्विच ऑफ कीजिएगा, और साथ में अगर स्विच ऑफ हो चुका है तो उसको कैसे ऑन कीजिएगा, ये दोनों मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करें, अपने मोबाइल के सेटिंग में जाए, देन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और डबल टैप टू वॉक और टर्न ऑन स्क्रीन वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको यहाँ पे ऑन करना है। ऑन करने से क्या होगा कि अगर आपका मोबाइल यहाँ पे लॉक हो जाता है तो डबल टैप करके स्क्रीन को यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, देन उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड डाल के अपने मोबाइल को ऑन कर पाइएगा। देन उसके बाद सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने बाद एडिशनल सेटिंग में जाना है, देन आपको एसेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जनरल को सिलेक्ट करना है और एसेसिबिलिटी मेन्यू वाले ऑप्शन में जाने बाद ये शॉर्टकट वाले ऑप्शन को यहाँ से ऑन करना है, परमिशन मांगा जाएगा, अलाउ पे क्लिक करना है, देन ओके पे क्लिक कर देना है। तो एसेसिबिलिटी मेन्यू का यहाँ पे शॉर्टकट देखने मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो पावर वाला ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा, देन इस पर टैप कीजिएगा तो आप अपने मोबाइल को यहाँ पे रिबूट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने मोबाइल को पावर ऑफ कर रहा हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट यहाँ पे पावर बटन को यूज करके मैंने अपने मोबाइल को यहाँ पे पावर ऑफ कर लिया। जब आपका यहाँ पे मोबाइल पावर ऑफ हो जाता है तो विदाउट पावर बटन यूज किए अपने मोबाइल को कैसे ऑन कीजिएगा, चलिए वो आप यहाँ पे देखें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो भी चार्जर है उस चार्जर को आपको यहाँ पे प्लग इन कर लेना है। प्लग इन करने के बाद आपको अभी पावर सप्लाई नहीं देना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डिवाइस में इसको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपको वॉल्यूम जो अप बटन देखने मिल रहा है इसको दोस्तों आपको प्रेस करके रखना है। तो प्रेस करने से पहले आपको क्या करना है, पावर सप्लाई यहाँ पे देना है, तो आप यहाँ पे पावर सप्लाई सबसे पहले दे दें और पावर सप्लाई देने के बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम का जो अप बटन है उसको आपको प्रेस करके रखना है। तो आप यहाँ पे दिखेगा आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सप्लाई देने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन प्रेस करूंगा तो देख सकते हैं मी का लोगो देखने मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे छोड़ देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिबूट वाइप डाटा और ये कुछ ऑप्शन देखने मिलेंगे, तो आपका किसी में सिलेक्ट किया रहेगा तो आपको सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पावर सप्लाई दे के रखना है, आपको चार्जर कनेक्ट करके रखना है और दो मिनट के बाद आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका जो मोबाइल है ऑटोमेटिक यहाँ पे रिबूट हो जाएगा। तो देख सकते हैं दो मिनट के अंदर में यहाँ पे सेट किया रहता है, ये ऑटोमेटिक आपका मोबाइल यहाँ पे रिबूट होना चालू हो जाता है। आप यहां पे पूरा प्रोसेस देख सकते हैं, मेरा मोबाइल यहां पे ऑन हो रहा है, मी का लोगो आएगा और मी का लोगो आने के बाद आप अपने मोबाइल को यहां पे ऑन कर सकते हैं और आपको यहां पे पावर बटन को यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और ये आप देख सकते हैं प्लगइन आपको निकालना है तो आप यहाँ पे अब प्लगइन निकाल सकते हैं और ये मोबाइल आपका यहाँ पे ऑन हो जाएगा। और ये प्रोसेस कंप्लीट करने में दोस्तों आपका यहाँ पे कोई भी मोबाइल का जो डाटा होता है वो डाटा भी यहाँ पे डिलीट नहीं होता है, सभी डाटा आपका यहाँ पे सेव रहता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएँ।